अंजन श्रीवास्तव का फिटनेस रूटीन। ये है वागले की रियल दुनिया, जहाँ प्यार है, संस्कार है और हंसता खेलता संसार है। अंजन श्रीवास्तव एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कई बंगाली प्लेस किए हैं, लगभग 180 फिल्में, जैसे 1979 की गोलमाल, गुलामी, कभी हाँ कभी ना, राजू बन गया जेंटलमैन, चक दे इंडिया, नो एंट्री जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। साथ ही छोटे पर्दे पर शुरुआत की सीरियल ये जो है जिंदगी से, उसके बाद मनोरंजन, तमस, नुक्कड़, कथा सागर जैसे कई सीरियल्स में काम किया है। इसीलिए आज सास बहू बेटियां पहुंच गया है वागले की दुनिया के रियल मिस्टर वागले, यानी कि अंजन श्रीवास्तव के घर, जानने इनका डेली रूटीन और सेहत का राज। 75 साल की उम्र में योग कर अपने आप को फिट रखते हैं अंजन श्रीवास्तव। नामचीन कलाकार होकर भी जीते हैं आम जिंदगी, घर में बसी हैं यादें वागले की दुनिया की। तो आइए शुरू करते हैं अंजन संग ये डे आउट, कहकर इन्हें गुड मॉर्निंग। मैं अभी शूटिंग में जाने की तैयारी करूंगा, लेकिन अभी सब रूटीन वर्क बाकी। आइए बैठिए, पहले जो कुछ भी तैयारी होगी सब इनकी वजह से होगी, क्योंकि 34-35 साल से पहले से ये लगातार वही शूटिंग की तैयारी कर देती है। ये सब तैयारी कर रही थी। अभी ये पहले ब्रेकफास्ट का है, तो इसमें फल है, मूंग चना मेथी ब्रेड, और इनका चाय वाय जो होता है पानी, ये हमने रख दिया है। इसमें नारियल पानी है, इसमें गर्म पानी और एक्स्ट्रा चाय, और सिंपल सादा पानी भी है। और इधर जो है सो दूसरे बैग में खाना है, जिसमें रोटी, सब्जी, थोड़ा भी कोई चीज़ का भी भुजिया। ये वही सब खाना होता है जो मेडिकेटेड है और जो मुझे खाना चाहिए, नहीं तो मेरा चलना बहुत मुश्किल है। 75 में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के साथ चल रहा हूँ, दवाइयों के साथ चल रहा हूँ, उसके साथ खाना क्या होना चाहिए। तो एग्जैक्टली शी मेक्स इट। गुरु की कृपा से परफेक्शन मिला है सब कुछ, और मुझे परफेक्शन चाहिए, काम में भी चाहिए और जीवन में भी चाहिए। तो अगर नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। 180 फिल्म और 34 सीरियल और 54 साल थिएटर करना मुश्किल है। इट इज डेफिनेटली डिफरेंट रिकॉर्ड, एकदम सबसे अलग हट के रिकॉर्ड है। अगर आप इसकी रिसर्च करेंगे तो मैं सारे एक्टरों को प्रणाम करता हूं जो सीनियर्स रहे हैं। इस तरह का रूटीन 1968 से जो चल रहा है आज तक। 82 में इनसे शादी हुई, 82 के बाद 83 के बाद बच्चे हुए दोनों, जुड़वा, और उसके बाद 83 से जो लगी हैं अभी तक, आज तक चल रहा है। पूजा करने जा रहे हैं, पूजा आप शूट कर लीजिएगा जो आप अगर करना चाहते थे, और थोड़ा योगा करेंगे तो ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर रात के 10 बजे तक चलाना है। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, तैयार होकर के मैं, तब तक आप ये सब देख सकते हैं, आर के लक्ष्मण के खुद ड्रॉ किए हुए ये पेंटिंग है जो मेरे ऊपर उन्होंने किया है। ही लाइक्ड, ही लव्ड मी एंड ही मेड मी। और ये गुरुजी की तस्वीर है जिसके ऊपर चल रहा हूँ। ये डॉक्टरेट की पदवी मिली है, आप देख सकते हैं, ये हमारी वहाँ से मिली है, फ्रेंच सबॉर्न यूनिवर्सिटी से। अंजन जी की सुबह की शुरुआत होती है ऊपर वाले का नाम लेकर। सुबह सुबह वो अपने गुरु जी की पूजा आराधना करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूजा रचा के बाद शुरू होती है इनकी योग प्रक्रिया। अपने आप को फिट रखने के लिए अंजन श्रीवास्तव कसरत करना कभी नहीं भूलते, इसीलिए सुबह सुबह आ जाते हैं इनके योग मास्टर, जो न सिर्फ इनसे सुबह सुबह कसरत करवाते हैं बल्कि अनुलोम विलोम के साथ साथ ध्यान भी करवाते हैं, ताकि मन शांत और शीतलमय रहे। योग और ध्यान करने के बाद अंजन श्रीवास्तव कर रहे हैं तैयारी सेट पर जाने की, लेकिन उससे पहले उन्होंने सास बहू और बेटियां को अपना घर घुमाया जहां पर बसी है वागले की दुनिया की यादें। ये गुरुजी है जिनकी वजह से सब चल रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम टुडे, ओके। ये आर के लक्ष्मण जो अचानक गुरुजी के पास से ऊपर से आसमान से टपके हैं, इतने बड़े आदमी, मुझे चुन करके इन्होंने ये दे दिया वागले, उन्हीं का बनाया हुआ स्केच है, क्योंकि वो कार्टूनिस्ट थे, वर्ल्ड रिनाउंड कार्टूनिस्ट, और उनको दूरदर्शन ने प्रेशराइज किया था कि आप कुछ बनाइए। तो 3-4 साल के बाद उन्होंने सोच के 6 एपिसोड और फिर 13 एपिसोड बना के कमाल कर दिया जो आज तक चल रहा है। उसी को एक्सटेंशन करके JD मजीठिया आज वागले की दुनिया फिर से चला रहे हैं। RK लक्ष्मण भी नहीं है, कुंदन शाह भी नहीं है, रवि ओझा भी नहीं है, और ये भी है उन्हीं की, उनकी कल्पना है आर के के ऊपर। आर के की तरफ पेंटिंग कर रहा है वागले, और ये ऑफिस जाने के लिए घड़ी देखता है। वैसे वागले की दुनिया के शूटिंग में एपिसोड्स में मिलेगा ये, और ये कंपनी में काम करता था वो है, और एक यही सब है। 3-4 हमको मिल गया धरोहर है। एक ये बच्चे को आइसक्रीम खिला रहा है, ये भी RK का ही है। जब मैंने ये करियर शुरू किया तो उस समय का लोग कहते थे हीरो का रोल करो, हमने कहा नहीं, मैं कैरेक्टर करूँगा, और कैरेक्टर पे स्टे कर गया, और आज तक जो भी ये कैरेक्टर ही कर रहा हूँ, हीरो के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। ये अलग अलग जगह से ऐसे ट्रॉफीज आते रहते हैं, इतने 54 साल में पता नहीं कितने ट्रॉफीज आए। और ये मेरा बगीचा है जहाँ मैं चिड़ियों को दाना देता हूँ, और यहाँ गर्मी के दिनों में उनको पानी चाहिए होता है, तो पानी जो है, पानी रखना ज़रूरी है डेली, ताकि प्यासे आते हैं सब चिड़िया जो है ना, उनको पानी पूरा खाली हो जाता है शाम तक। मेरा यही घर है, यही मेरी बैठने की जगह है, यही पढ़ने की जगह है, स्क्रिप्ट की जगह, अरे स्क्रिप्ट भी न छूट जाए, और यही मेरे गुरु की जगह है। अंदर जाके ध्यान लगा लेता हूँ, फिर यहीं आके बैठता हूँ। दिस इज माई चेयर। घर घुमाने के बाद बारी आई परिवार से मिलाने की। इनका हंसता खेलता परिवार है, इनकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। इनका लड़का इन दिनों लंदन में है, और लड़की वो भी एक्टिंग जगत से जुड़ी हुई है। पूरा परिवार तरक्की कर रहा है, और इन सब के पीछे अंजन जी ऊपर वाले और अपने गुरुजी का आशीर्वाद मानते हैं। 180 सिनेमा ऐसे नहीं हो गया, अब काम करिए, करते जाइए, पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं। रिजल्ट तो पब्लिक बताएगी या ऊपर वाला बताएगा। वही थिएटर में किया, वही बैंक की नौकरी में किया है। 31 साल नौकरी की मैंने, उसके बाद रिटायरमेंट ली है। साथ में काम किया है, और साथ कैसे चलता है वो लोग जाने, हमें मालूम ही नहीं कैसे चलाया मैंने। मेरा बेटा जो ONM में काम कर चुका है, गिलवी में, IMG रिलायंस में काम कर चुका है, उसके बाद अपनी कंपनी खोल के मार्केटिंग एंड इसमें एडवर्टाइजिंग में इतना बढ़िया हो गया, ZTV के लिए काम कर चुका है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन के साथ स्टार्टअप खोल दिया। उसकी शादी हो चुकी है, बहू भी एक्ट्रेस रही है आगरा हिप्टा में, और अभी वो स्कूल टीचिंग करती थी, अब वो नया कुछ कोर्स करने जा रही है। तो दिस फैमिली इज लाइक दैट। इसमें और जो ह्यूमैनिटी है, दैट इज द मेन थिंग। जनता जनार्दन को, भूखे को खाना खिलाना, और जिसकी जो तकलीफ है, जो कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो क्या करें। बहुत अमीर आदमी हम नहीं हैं, मिडिल क्लास, थोड़ा वेल टू डू है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चलता है, ये चलाने वाले गुरु जी हैं, और ये मिले थे वाली बात नहीं है। दिस इज नॉट 2023, दैट वाज 1982, जहाँ पिताजी ने पूछा शादी करोगे तो कर लेंगे। लड़की देखा है, ठीक है, आप लोग पसंद है, ठीक, बोले देखो, बोले मुजफ्फर अली की शूटिंग में जाना है, मानी चटर्जी की शूटिंग में जाना है, बोले लड़की देख लो एक बार। शादी के पहले कोई हम लोग की बातचीत नहीं थी। खाली देखा देखी नहीं, मतलब आजकल के जैसा है कि पहले मिल लिए 2 महीना बात करें, वैसा कुछ नहीं हम लोग का था, देखा देखी हो गया। अच्छा अभी डेट आ गई शादी की, चलो देखिए शादी के बाद ही लाइफ बनती है, डिपेंड्स ऑन द लेडी कैसा आप ह्यूमन, आप कैसे तैयार हैं, आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं जीवन में, वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ हो सकता है और थोड़ा इंफीरियर हो सकती थी, हो सकता था बोले इतना काम कर दिया अब उम्र हो गई छोड़ो, ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, वो कैसे, इसका मतलब इनका जो ब्रॉटअप हुआ है इनके माता पिता का, इनके पास एक चीज़ है टोटल बताऊँ, आप और किसी भी अपने आप को बहुत बड़ा लीडर भी कहें, इतना पेशेंस नहीं है किसी में जितना पेशेंस इनके पास है। रोज़ मुझे लेसन मिलता है, जो भी हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है व्हेन कोई ऑलरेडी स्किल ट्राई किया हुआ आपके घर में होता है, विच इज़ कहीं पर आप एक्टिंग में अटक जाओ तो यू हैव द गाइड राइट नेक्स्ट टू यू। दिस इज़ द फ़ायदा, दिस इज़ द मैक्स फ़ायदा विच एनीबडी इन अ फैमिली ऑफ एन एक्टर शुड टेक, एंड वही फ़ायदा मुझे भी है। घर परिवार से तो मुलाकात हो गई, अब बारी है सेट पर जाने की। वागले की दुनिया का सेट मीरा रोड में है, जहां जाने में इन्हें लगते हैं 45 मिनट। इसी सफर में वो अपने स्क्रिप्ट की तैयारी भी करते हैं और साथ ही ताज़ा कर रहे हैं यादें अपने रियल वाले वागले की दुनिया की। सेट के लिए निकल चुके हैं हम, 40-45 मिनट आई थिंक लग जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। मीरा रोड जाना आना बहुत भारी काम है, नो डाउट। अभी ऐसा है कि साथ में इतना समय मिलेगा ये सीन को तैयार करना है। देखिए वागले की दुनिया जो कर लिया हम लोगों ने, उसका तो कोई जवाब नहीं है। मास्टरपीस जो कभी सोचा नहीं था, जो रातों रात मुझे स्टार बना दिया था, वो 6 एपिसोड में क्या कर दिया था जादू लक्ष्मण ने और कुंदन शाह ने मिलके, कि यू कैनॉट इमेजिन। और वही जादू पब्लिक के ऊपर चढ़ गया, पब्लिक के अंदर जो चीज़ आई है कि वो उसको भूल नहीं पा रही। कोई कहता है उस ज़माने में ज़्यादा चैनल नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन दूरदर्शन में जो सीरियल्स बनते थे हम लोग, वो करमचंद और मुंगेरी लाल के सपने, आपके और हमारे जीवन की तस्वीर होती थी। उसी तरह से वागले हर कॉमन मैन की डेली की ज़िंदगी, उसका उहापोह, उसके स्ट्रगल, उसका हाँ ना, ना वो ज़्यादा खुश हो पा रहा है ना ज़्यादा दुखी हो पा रहा है, और जीवन को चलाना है, परिवार को चलाना है, नौकरी करनी है। एक ऐसे सेटलमेंट में एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की एक्टिंग आर के लक्ष्मण ने बना के दी। पहले एपिसोड से उन्होंने पूरा कंट्रोल किया उसके क्वालिटी पर, एक्टिंग पर, एग्जीक्यूशन पर, ईच एंड एवरीथिंग। 6 एपिसोड एक बर्फ़ी, जो काजू की बर्फ़ी होती है ना, एकदम मिठाई की तरह बन के निकली एक एक एपिसोड। सेट पर पहुंचते ही शुरू हो गई तैयारी किरदार में ढलने की। भाई अंजन श्रीवास्तव को पूरा मेकअप लगता है, चाहे वो बेस हो, आईब्रोज हो, काजल हो या फिर पाउडर। मिस्टर वागले के किरदार में ढलने के लिए अंजन श्रीवास्तव को लगते हैं लगभग आधा घंटा। और देखिए कैसे तैयार होकर मिस्टर वागले चल पड़े हैं अपना सीन फिल्माने के लिए। इसी बीच इन्होंने अपने डायरेक्टर से सास बहू और बेटियां को मिलवाया भी। 97 में हमने एक मेवालाल नाम का शो किया था भारती जी और इनके साथ, इन्होंने किया था, इन्होंने डायरेक्ट किया, मैंने डायरेक्ट किया था और इनको देख के आई वाज एक्साइटेड कि ये फिर कर रहे हैं। सो मैंने नया नवेला मतलब एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी कदम रखा था और तब इनके साथ करने का मौका मिला था। अब पता नहीं कितने सालों बाद हम दोबारा ऑलमोस्ट 25-26 साल बाद आगे इनके साथ करना, एंड इनकी वही एनर्जी जो 25-26 साल पहले थी वही काम के समय है। यस, बाकी तो हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। नहीं नहीं, एक बार एक्शन बोल दो फिर इस आदमी की एनर्जी अलग ही होती है। वो तो है। सीन फिल्माने के बाद शुरू हो गया है लंच टाइम। ऐसे में मिस्टर वागले यानी कि अंजन श्रीवास्तव अपना खाना घर से ही लाते हैं जो सेहतमंद होता है। डेढ़ रोटी इधर से खाऊंगा, आधी रोटी दही के साथ खाऊंगा। ये दही लगा हुआ है जो कंपनी की तरफ से ले लेता हूँ, और फिर थोड़ा सा राइस भेजा है। लंच खत्म करते ही सुमित राघवन भी पहुँच गए अंजन श्रीवास्तव के मेकअप रूम में, जहाँ पर पहुँचकर उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। अंजन जी को जब भी मैंने देखा है, फिर वो चाहे चकदे का वो खड़ूस विलन हो या फिर कभी हाँ कभी ना का वो मजबूर बाप हो, या फिर वागले की दुनिया का कॉमन मैन हो, आपने अंजन जी को अलग अलग किरदारों में देखा है। दामिनी आप कैसे भूल सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी फिल्में, राज जी के साथ आपने बहुत कमाल का काम किया है। साथ है ना, 7 फिल्में की है, मतलब पुकार एक अलग ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक मतलब अंजन जी तो काफ़ी अरसे मतलब जो ओरिजिनल गोलमाल है उसमें भी अंजन जी थे हमारे, और ऐसे शुरुआत, हाँ वहीं से शुरुआत थी। ऋषिदा के साथ काम किया हुआ इन्होंने, तो उनकी बेमिसाल की है मैंने। अच्छा, क्या बात है। और भी जो कश्मीर वगैरह में वो जिसकी शूट थी, बच्चन साहब और विनोद मेहरा, राखी बच्चन साहब के साथ मैं डॉक्टर की कहानी थी। ऐसा बहुत बहुत काम किया हुआ, एंड इट्स अ प्रिविलेज कि जब भी वागले की दुनिया का जिक्र होता है तब भले मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये ही अंजन श्रीवास्तव ही आपको नजर आएंगे। अंजन श्रीवास्तव का बातों का सिलसिला सास बहू और बेटियां संग यूं ही चलता रहा, और अब खत्म हुआ इनके संग ये डे आउट। उम्मीद करते हैं कि अंजन जी के बारे में आप लोगों को जानकर बेहद खुशी हुई होगी। बहुत अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। इट वॉज वेरी लाइटली एंड वेरी रियलिस्टिक। आई फेल्ट होमली विथ यू। घर के जो माहौल था उसमें हमें कोई बनावटी करने की जरूरत नहीं पड़ी। यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑल माय रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू अब इवनिंग का, रात का आप नहीं देख पाएंगे। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।